संविधान बचाओ अभियान के तहत दलितों का भरोसा जीतने की कोशिश करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब ओबीसी समाज को अपने पाले में करने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के समाज को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस ओबीसी सम्मेलन के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोनी संवाददाता आदेश रावल। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आज तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी कन्वेंशन किया। इससे पहले राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद सभी जातियों के सेल बनाए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, जिसमें ओबीसी है, जिसमें एससी एसटी सेल है और माइनॉरिटी सेल है। दरअसल 2019 के चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं तमाम जातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है, उसी में आज ओबीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस सम्मेलन किया। इसमें खासतौर पर मांग की गई कि जिस तरीके से एससी एसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसी तरीके से ओबीसी को भी ये स्टेटस मिलना चाहिए। दूसरा, 2011 में ओबीसी की पॉपुलेशन की गिनती शुरू हुई थी, लेकिन 2014 में खत्म होने के बावजूद भी अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिर कितनी पॉपुलेशन ओबीसी की इस देश में है। दरअसल इस बात को लेके भी कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि 2014 में जो गिनती खत्म हो चुकी है पॉपुलेशन की, कितनी जनसंख्या है ओबीसी की, इसकी जानकारी भी दे। राहुल गांधी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ओबीसी के 5 सांसद जो कि बीजेपी में है, वो उन्हें संसद में मिले थे और उन्होंने कहा कि सरकार में ओबीसी के लोगों की नहीं चलती। यानी राहुल गांधी इस वक्त चुनाव से ठीक 1 साल पहले ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ओबीसी जाति के साथ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी जाति को रिप्रेजेंट करता है। दिल्ली से आदेश रावल, को न्यूज़।